प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले ही ये बता देता हूँ कि ये बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट रिवीजन वीडियो है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ये मत लिखिएगा कि इतना जल्दी जल्दी कौन बताता है। सेम टॉपिक पे दो दो वीडियोस मैंने बना रखे हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पहला वाला जो लिंक होगा उसमें सिंप्लीफिकेशन को पूरे डिटेल में मैंने नहीं बताया है, यानी कि वो थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, ये वाली वीडियो तो हद से ज्यादा शॉर्ट है। और जो दूसरा वाला लिंक आपको मिलेगा वो बिल्कुल लॉन्ग वीडियो है, यानी कि वहां एक एक चीज को काफी डिटेल में बताए हैं, एक एक सिंप्लीफिकेशन को कर करके वहां हम दिखाए हैं। तो देख लो, एक बार अगर रिवीजन करना चाहते हो तो यहां आप 2 मिनट का समय दे सकते हो। बाकी आप सब जानते हो कि मैं टाइम लॉस करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होता हूं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। यहां टॉपिक क्या है कि हमें यह साबित करना है, फॉर एग्जांपल अगर अर्थ पे आपकी वेट 60 न्यूटन की है तो मून पे आपकी वेट हो जाएगी 10 न्यूटन की, जो लगभग 6 गुना कम होगा। मैंने लगभग टर्म यूज किया, यहां बार बार लगभग में ही बात होगा, अप्रोक्स की ही बात होगा। यहां आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए आगे चीजों को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये दो चीज, वेट का मतलब होता है mg, g का मतलब होता है acceleration due to gravity, अगर earth की बात कर रहे हो तो earth का g लोगे, moon की बात कर रहे हो तो moon का g लोगे, और g का मतलब खुद होता है gm by r square। फिर से अगर आप moon की बात कर रहे हो तो यहां moon का g अगर निकालना है तो उसी का mass उसी का radius, और earth का ले रहे हो तो उसी का mass उसी का radius। इसके अलावा mass इन दोनों का मालूम होना चाहिए और इन दोनों का radius मालूम होना चाहिए, उस चीज को मैंने यहां लिख रखा है। ये डेटा मैंने NCERT के अकॉर्डिंगली लिया है, तो यहां फिर से ये डिबेट मत क्रिएट कर देना कि किसी बुक में कुछ लिखा है किसी बुक में कुछ लिखा है। अब चलो आगे देख लो, अब इन दोनों फॉर्मूला को देखो यहां यूज करना है। वेट का फॉर्मूला मैंने mg बताया, मैंने यहां क्या लिखा है, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, तो जाहिर सी बात है g यहां अर्थ का होगा। अब g को रिप्लेस कर देते हैं इससे, मतलब कि gm by r square से, ब्लू कलर से मैंने बस थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए लिखा है, तो gm by r square, जहां m होगा अर्थ का और रेडियस भी होगा अर्थ का। अब वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट किए, यहां से ही मैंने यहां रखा है और बस सिंपलीफाई किया। फाइनली यहां आकर के ये रुकेगा, वीडियो पॉज करके आप चाहो तो देख सकते हो, और अगर डिटेल में समझना है मेरी जुबानी तो आप जाकर के लिंक को चेकआउट कर लो, वहां मैंने ये समझा रखा है। चलो ठीक है, अब सेम ये जो प्रोसेस है ना, जब आप मून का मास लोगे यहां और मून की रेडियस लोगे यहां और सिंप्लीफाई ऐसे ही करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला वैल्यू। अब इन दोनों के आने के बाद बस दोनों को डिवाइड दे देना है, तो ऊपर मैंने इसको लिखा और नीचे मैंने इसको लिखा, और देखो आराम से लिखा, जो कुछ भी कैंसिल होने लायक था मैंने लिखा। उसके बाद यहां, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये सब देखोगे ना तो यहां राउंड अप किया गया है, ठीक है, यानी कि एक हद तक अप्रोक्स की ही बात हो रही है। तो यहां भी देख लो, जैसे भी करना है आप सिंप्लीफाई कर लो, डिवाइड कर लो, और देखो ये इतना आएगा, राइट। और यहां यहां भी राउंड अप किया गया है, और ये लगभग लगभग 1/6 के बराबर होता है, यानी कि 1 को 6 से डिवाइड दोगे तो वो लगभग इतना आएगा। मैंने फिर से कहा ये लगभग की बात हो रही है, इसलिए ये सिंबल को भी यूज करना ज्यादा सही माना जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख सकते हो, मून सॉरी वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, और इसको 6 से आप डिवाइड कर दो। तो आई होप इस कॉम्पैक्ट वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली फायदा हुआ होगा, और जैसा कि मैंने कहा कि डिटेल में सब कुछ समझना है तो अपने जरूरत के हिसाब से सही लिंक को आप क्लिक करके देख लो। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।